की बात करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, मुझे सीएम बनाने में शरद पवार का हाथ है, उद्धव ठाकरे ने कहा। साथ ही साथ सोनिया गांधी और शरद पवार ने भरोसा किया मुझ पर और मुझे सीएम बनाया। तो शरद पवार और कमलनाथ ने कहा सब साथ है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, उद्धव ठाकरे ने कहा। और एकनाथ को सूरत में बोलने की आखिर क्या जरूरत थी, इस पर भी सवाल खड़ा किया। जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान मैं आपके सामने लाया हूँ, और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होंगे। आज ही सरकारी किनारे हॉर्स ट्रेडिंग करके 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ जितने तुम जाओ लो पैसा, आओ हमारे तरफ आओ, मजाक बना रखा इन लोगों ने। मोदी जी को, अमित शाह जी को घमंड नहीं होना चाहिए, इनको चाहिए कि कानून का राज है, संविधान से सामने रख के आप सरकार चलाओ, कृपा करके बख्शो देश को। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। ये जो आमदार चुन के आए हैं, इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीक दी है, उन्होंने इनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं, इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो महाराष्ट्र विधानसभा का गणित, कुल विधायक 287 जिनकी संख्या, और जिसमें बीजेपी के अगर विधायकों की बात करें तो विधायक बीजेपी के जो विधायक हैं वो 106 हैं और शिवसेना के विधायक हैं 55। तो महाराष्ट्र विधानसभा का गणित जिसमें एनसीपी के 53 विधायक हैं, तो 53 विधायकों की जो संख्या है वो है एनसीपी के। और बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस के फिलहाल 44 विधायक हैं, तो अन्य विधायकों की संख्या 29 है, तो 29 का आंकड़ा जो है वो अन्य विधायकों की संख्या का है। विश्वास मत के लिए 14 विधायकों की फिलहाल जरूरत है। तो महाराष्ट्र विधानसभा का जो गणित, जिसमें गठबंधन सरकार में 152 विधायक हैं, और बात करें तो 152 विधायक जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के, ये तीनों मिलाकर के 152 है, लेकिन अब जो बागी हैं वो 36 से ज्यादा हो गई।